गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएस। चलिए आज का एडिटोरियल देखते हैं, उसके पहले कुछ जो रिसेंट हेडलाइंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हेडलाइन है, एससीओ मीट मोदी एंड शरीफ, स्पार ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस। तो देखिए, एससीओ मीटिंग हो रही है, ठीक है, कहाँ पर हो रही है? हो रही है समरकंद में। समरकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। एससीओ के मेंबर्स कौन कौन है, बाकी डिटेल्स ऑफ एससीओ की, उसका एम क्या है, वो सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीक में, तो उसको अभी नहीं कवर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रेजेंट मीटिंग है इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो हमारे पीएम मोदी, उन्होंने एक बात कही है कि रीजनल कनेक्टिविटी प्रॉपर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फुल ट्रांजिट राइट्स दिया जाए। ये क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि पाकिस्तान जो है बीच में रोड़ा बना हुआ है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है ट्रांजिट राइट्स नहीं दिए इंडिया को। इंडिया 50,000 टन्स ऑफ वीट पहुंचाना चाहता था अफगानिस्तान को, ठीक है। इस इशू को लेकर के एक बात कही पीएम मोदी ने, जिसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर आपकी रीजनल कनेक्टिविटी के प्रस्ताव आएंगे तो ऑटोमेटिकली फुल ट्रांजिट राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर दो इश्यूज और बताएं कि प्रेजेंट जो सबसे ज्यादा बर्निंग इश्यूज हैं वो है फूड और एनर्जी क्राइसिस फॉर द ग्लोबल सिनारियो। इनके सबसे बड़े रीजंस जो हैं पीएम मोदी जी ने दिए हैं, एक है कोविड, दूसरा है रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 2023 की जो चेयर है वो इंडिया के पास होगी एससीओ की। इसके बाद देखिए, जो जी जिनपिंग है और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शरीफ, इन्होंने ये कहा है कि टेररिज्म के लिए हमको साथ में मिलकर के फाइट करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट है। एक तो तरफ जो है आपके चाइना जो है वो इंडिया के कई बार यूएन में जो सैंक्शंस लाने की कोशिश करता है अगेंस्ट टेररिस्ट, उसके अगेंस्ट बोलता है, और आज ये कह रहा है कि हमें कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ईरान जो है न्यूएस्ट मेंबर इनका, ये पूछ सकते हैं, सो प्लीज रिमेंबर दैट 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेज इन दीज कंट्रीज, एससीओ कंट्रीज, ठीक है। अब एक और चीज है कि जो फूड क्राइसिस है उससे निपटने के लिए मोदी जी ने ये कहा है कि कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स कैन हेल्प, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, फूड क्राइसिस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिलेट्स पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पेज में इतना ही इंपॉर्टेंट है, अब डायरेक्टली हम एडिटोरियल पे चलेंगे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है आज के पेपर में। अब देखिए, पहले मेन आर्टिकल देख लेते हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। पहला आर्टिकल क्या, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मेनी। तो यहां पर बेसिकली इन्होंने जो डिक्रीज इन फर्टिलिटी है उसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं वो बताया, लेकिन ये करंटली इंडिया के सिनारियों में फिट नहीं होता, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो विल लीव इट, ठीक है। सेकेंडली, के कानिमुंजी हैं, इनको लोग जानते होंगे, शी वॉज एग्जोनरेटेड इन दैट 2G स्कैम, ओके। शी गॉट अरेस्टेड ऑल्सो अलॉन्ग विथ ए राजा। उन्होंने पेरियर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, दिस इज ऑल्सो नॉट मच ऑफ इंपॉर्टेंस। चलिए बाकी दो आर्टिकल्स देख लेते हैं। अब देखिए, ईट एंड लर्न, कल हमने एक तमिलनाडु की स्कीम पढ़ी थी, ब्रेकफास्ट स्कीम, ठीक है, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि कैसे ये जो है एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट करेगा और हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? अब नाश्ता मिलेगा सारे बच्चों को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल विल इंक्रीज, ठीक है। मिड डे मील भी मिल रही है, नाश्ता भी मिल रहा है, तो जो आपका अटेंडेंस है वो बढ़ जाएगा चिल्ड्रंस का, उसके कारण, और जो नाश्ता और मील मिल रही है उसके कारण हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी बच्चों की, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव आउटकम्स की बात कही है इन्होंने कि कई सारी ग्लोबल स्टडीज है जो इंडिकेट करती हैं कि स्टूडेंट्स का फोकस, लर्निंग और रिटेन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ता है अगर वो प्रॉपर नाश्ता करता है। तो डाइट क्वालिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी, अनीमिया एंड हाइट एंड वेट इश्यूज इन चिल्ड्रंस, उनसे हम जो है छुटकारा पा सकेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो है एक पॉइंट ऑफ कॉशन दिया है इन्होंने कि अवॉइड, किस चीज को अवॉइड करना, एरर्स ऑफ ऑमिशन एंड कमीशन इंक्लूडिंग पिल्फरेज, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, डिले इन सेंक्शनिंग फंड्स, कास्ट रिलेटेड डिसरप्शन दैट हैव बीन हर्डल इन इट्स पास्ट अर्लियर, मतलब जो मिड डे मील स्कीम वगैरह में रहे हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स जो हो सकते हैं प्रोबेबली उनको भी मेंशन कर दिया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे तमिलनाडु ने पैसे निकाले इस स्कीम के लिए, ठीक है, मैनेज किया है फाइनेंस, उस तरीके से बाकी की जो स्टेट्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए सिमिलर स्कीम्स के साथ, एज दिस वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, एंश्योरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक न्यूज है
मदुरई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट की, इन्होंने जो है सबुक्कू ए शंकर को जो है 6 मंथ्स के लिए सिंपल कारावास दे दिया है, सिंपल जेल कर दी 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्वीट करके जुडिशरी के अगेंस्ट जो है कुछ बातें कही थी, तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ला करके इनको 6 मंथ्स की जेल कर दी है। इन्होंने क्या कहा था कि जो कोर्ट है वहां पर जो ब्राह्मण है वो ज्यादा है और लोअर कास्ट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये काफी चीजें बोलते हैं लेकिन विदाउट एनी फैक्ट्स, तो ये तो होना ही था। ठीक है, अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, लेकिन हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एक टाइम था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए एम्पावर करना चाहिए, उस पर डिस्कशन चल रहा था। तो चलिए हम कंटेम्प्ट पे बात करेंगे, व्हाट इज कंटेम्प्ट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये एक नेक्स्ट आईएएस का आर्टिकल है, वहां से मैंने कुछ कंटेंट जो है कॉपी किया है टू समराइज इट, अगर आप चाहें तो यहां से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, देखिए मीनिंग क्या है, ये बेसिकली क्यों दिया जाता है, टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। किस चीज से प्रोटेक्ट करना है, मोटिवेटेड अटैक्स एंड अनवॉरंटेड क्रिटिसिज्म, जिसकी वजह से जो उसकी अथॉरिटी है वो कम हो, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर दिया गया है। ठीक है, अब ये स्टैट्यूटरी बेसिस क्या क्या है, एक तो देखिए जो आर्टिकल 19 है आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आता है ये। दूसरी चीज आर्टिकल 129 जो है एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, टू पनिश समवन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिमिलरली हाई कोर्ट को एम्पावर करता है आर्टिकल 215। इसके बाद जो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट है 1971 का जो स्टैट्यूटरी बैकिंग देता है। अब सेकेंडली जो है सुओ मोटो एक्शन ले सकता है कोर्ट इसमें। ठीक है, अब दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है कि कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया आपने जानबूझ के उसको नहीं माना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, पहला वर्ड्स रिटन और स्पोकन, साइंस एंड एक्शंस दैट स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। सेकेंड है प्रिजुडाइस और इंटरफेयर्स विथ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तीसरा इंटरफेयर्स विथ और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये हो गए आपके दो तरीके कंटेम्प्ट, सिविल एंड क्रिमिनल। अब पनिशमेंट क्या क्या होता है, 2,000 रुपए या 6 महीने का सिंपल इंप्रिजनमेंट। ठीक है, ये होता है आपका पनिशमेंट। अब देखिए 2006 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसने ये कहा है कि अगर कोई सच बोल रहा है तो ट्रुथ कैन बी द डिफेंस इन द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ लेते हैं कि कंटेम्प्ट के पावर क्यों होने चाहिए कोर्ट के पास, उसके लिए आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ और क्यों नहीं होने चाहिए आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। सबसे पहली चीज क्या है, इंक्रीजिंग इंस्टांसेस ऑफ कंटेम्प्ट एंड स्कैंडलाइजेशन, मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है बोलने लगे हैं अगेंस्ट। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स है कंटेम्प्ट पावर का आर्टिकल 129 215 के अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, ट्रस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन इन द जुडिशरी इज साइन को नॉन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए पब्लिक फेथ होना जरूरी है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि लोगों का फेथ खत्म हो जाए जुडिशरी से। अब एक और चीज है इंपैक्ट ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कंटेम्प्ट होता है उसको इसके लिए एम्पावर्ड है हाई कोर्ट सजा देने के लिए। अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की के पावर हाई कोर्ट से हट जाएंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी जो है उनके पास कोई पावर नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब विलफुल डिसोबीडियंस जो है, जैसे सिविल कंटेम्प्ट पढ़ा हमने उसके अगेंस्ट ये होना जरूरी है। ठीक है, अब एम्बिग्यूटी हो जाएगी, अगर हमने लॉ हटा दिया तो एम्बिग्यूटी हो जाएगी। अभी तो लॉ है जो वेल डिफाइंड करता है व्हाट इज कंटेम्प्ट, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एडिक्वेट सेफगार्ड्स ऑलरेडी दिए गए हैं तो इसलिए इसे हटाना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या कंटेम्प्ट के अंदर नहीं आता है और वेयर कंटेम्प्ट इज नॉट पेनिशेबल दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड। अब देखिए आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट सिविल लिबर्टीज अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज डिफाइन करती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को वो काफी वेग है तो वो मिसयूज हो सकती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन इंडिया इज एक्सट्रीमली वाइड, तो मतलब ये भी मिसयूज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अपन कोर्ट का जजमेंट पढ़ लेते हैं, एस मुगोलकर वर्सेस अननोन 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जुडिशरी कैन नॉट बी इम्यून फ्रॉम फेयर क्रिटिसिज्म एंड कंटेम्प्ट एक्शन इज टू बी यूज ओनली वेन एन ऑब्वियस मिस स्टेटमेंट विथ मेलिशियस इंटेंट सीक्स टू ब्रिंग डाउन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट और सीक्स टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद एक और जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है वो ये बोल रहा है कि नो वन टू बी
ओन जज, मतलब आप खुद ही जो है अपने अगेंस्ट किसी ने कोई बोला उसको सजा सुना रहे हैं, ठीक है। अब वे आयड में देखिए क्या है कि लॉ कमीशन ने क्या बोला है कि होना चाहिए ये पावर उनके पास, लेकिन जो डेफिनेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए सिर्फ सिविल कंटेंट में, क्रिमिनल कंटेंट हटा देना चाहिए। बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है कि मेजोरिटी कंट्रीज में तो ऑब्सोल्यूट हो गया है ये, ठीक है। कैनेडा टाइज टू टेस्ट फॉर कंटेंप्ट टू रियल सब्सटेंशियल एंड इमीडिएट डेंजर टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका में जो है नो लॉन्गर यूज द लॉ ऑफ कंटेंप्ट इन रिस्पॉन्स टू कमेंट ऑन जजेस ऑन और लीगल मैटर्स। इन इंग्लैंड द लीगल पोजिशन हैज इवॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंप्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें एक और चीज देख लेते हैं। देखिए यहां पर जो है इन्होंने ये कहा है कि 2018 में फोर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पब्लिकली एक्यूज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ मिस यूजिंग हिज पावर्स एज मास्टर ऑफ द रोस्टर टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ केसेस। तो देखिए इन चीजों के कारण कंटेंप्ट की पावर जो है कर्टेल करनी चाहिए, वरना ये इम्यून हो जाएंगे एंड दैट विल रिजल्ट इन ऑटोक्रेसी, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। गुड डे गाइस, हैप्पी लर्निंग।